है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। अगर देखा जाए तो ये बहुत कॉमन है, हिंदुस्तान में लगभग 15 से 20% लोगों में ये पाई जाती है। साधारणतः जो इसके लक्षण हैं मरीज़ जो बताते हैं, जो बहुत कॉमन है लोगों को, वो लगता है कि पेट में गैस बन रही है, जलन बन रही है, या उल्टी उल्टी लगता है। ख़ासतौर से सुबह सुबह होता है, टकारे आना, मुँह में कड़वा पानी या खट्टा पानी आना, ये इसके लक्षण हैं। और ये बहुत कॉमन है, बहुत लोगों में पाया जाता है एक उम्र के बाद। देखा जाए तो ये मेनली एडल्ट और ओल्ड एज की तकलीफ है, लेकिन अब ये यंग लोगों में भी मिल रहा है, क्योंकि मोटापा जो बढ़ रहा है, जो खान पान जो परिवर्तन आ रहा है, जो जंक फूड खा रहे हैं, उससे भी रिफ्लक्स डिजीज़ बढ़ी है। तो जहाँ तक लक्षण हैं ये मैंने बता दिया आपको, और जो इसकी तकलीफ़ है उसको जानने समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इससे बचने के तरीके जो हैं वो हैं कि समय से खाना खाएं, समय से उठें, ज़्यादा तेल घी गरिष्ठ चीज़ें ना लें, और शरीर का वजन संतुलित रखें, और समय से सोना, ये सब बेहद आवश्यक है। कपड़े भी बहुत टाइट नहीं पहनने चाहिए, यदि वो ज़्यादा पहन रहे हैं तो भी रिफ्लक्स डिजीज़ हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन इसमें होते हैं कि खाना अटकने लगता है कभी कभी, कभी कभी छाले ज़्यादा बन जाएँ तो खून की उल्टियाँ भी हो सकती हैं। इसलिए मरीज़ को चाहिए कि अपना खान पान ठीक रखें। रिफ्लक्स के सिम्टम्स अगर परसिस्टेंट हैं, आपको लगता है कि आपने सारे प्रयास कर लिए फिर भी छाती में जलन हो रही है, उल्टी का मन कर रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका इलाज बेहद आसान है, कुछ जांचों के बाद दवाई यदि हम लें 1 से 1.5 महीने, तो ये बीमारी जड़ से भी ठीक हो जाएगी।